हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर डेटा एनालिस्ट। सो डेटा एनालिस्ट है, ये एक ऐसा रोल है जो जो डीबीए और कस्टमर के बिटवीन रहता है। उसके पास बहुत सारे डेटा का एक्सेस रहता है जो कि रिक्वायर्ड है, और उसको रिपोर्टिंग वगैरह देना पड़ता है कस्टमर को। और अगर कुछ डेटाबेस के इश्यूज वगैरह फेस करते हैं कस्टमर साइड, तो वो डेटाबेस इश्यू उसको रिजॉल्व करने पड़ते हैं, नहीं तो डेटाबेस टीम के पास देने पड़ते हैं। तो ये है डेटा एनालिस्ट के रोल के बारे में। आजकल के दिन में आपको बिग डेटा का भी नॉलेज रहना चाहिए, मशीन लर्निंग का भी नॉलेज आना चाहिए इफ यू वांट टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट। ओके, बट ये मैं बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो जो 70-80% आपको इंटरव्यू में आएंगे ही आएंगे। सो आप ये वीडियो स्किप मत करना और एंड तक देख लेना। ओके, अगर आपको ये इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए या पीपीटी फॉर्मेट में चाहिए, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द चैनल, लाइक द वीडियो, एंड मुझे complexsql@gmail.com पे कॉन्टेक्ट कर देना। आफ्टर दैट आई विल गिव यू ऑल द इंटरव्यू क्वेश्चंस इन पीडीएफ फॉर्मेट और पीपीटी फॉर्मेट। ओके, तो शुरू करते हैं, चलो। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर डेली टास्क ऑफ डेटा एनालिस्ट। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि क्या आप डेली टास्क परफॉर्म करते हो, कर सकते हो एज अ डेटा एनालिस्ट। सो पहला टास्क है, डेटा एनालिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा एनालिसिस इन द ऑर्गेनाइजेशन विच आर इनटू डिफरेंट डेटाबेसेस। सो अलग अलग से डेटाबेस हो गए, जैसे ओरेकल होगा, MySQL होगा, PostgreSQL होगा, उस पे आपको डेटा एनालिसिस करना है। ये आपका की टास्क होगा, क्योंकि रोल में ही लिखा है कि डेटा एनालिस्ट का आपका रोल है। डेटा एनालिसिस सपोर्ट, सो डेटा एनालिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग द डेटा फॉर वेरियस सिस्टम्स। वेरियस सिस्टम के लिए आपको डेटा एनालिसिस का सपोर्ट करना है। ओके, थर्ड इज कस्टमर इंटरेक्शन। डेटा एनालिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू इंटरेक्ट विद द कस्टमर एंड गिव्स द डिफरेंट रिपोर्ट्स एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। सो आपको कस्टमर के साथ डील करना है, कस्टमर को अलग अलग से रिपोर्ट देने हैं एज अ डेटा एनालिस्ट, बिकॉज आपको सब कंट्रोल रहेगा डेटा का। सो कस्टमर आपको पूछेगा कि भाई ये रिपोर्ट मुझे चाहिए, आपको ये रिपोर्ट देना है उसको उस हिसाब से। देन नेक्स्ट इज डेटा इश्यूज। डेटा एनालिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू सॉल्व द डेटा रिलेटेड इश्यूज। डेटा एनालिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू सॉल्व डेटा रिलेटेड इश्यूज। कोई डेटा रिलेटेड इश्यूज आता है तो कस्टमर आपको पहले पूछेगा कि भाई ये क्यों आ रहा है इश्यू। अगर आप रिजॉल्व नहीं कर पाते तो आप डीबीए के पास जाना, नहीं तो डेटाबेस टीम के पास जाना और वो इश्यू रिजॉल्व करके कस्टमर को देना है। मैनेजिंग द डेटा, डेटा एनालिस्ट विल मेक श्योर दैट द डेटा इज मेंटेन्ड फॉर्म एंड यूजर विल गेट इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा क्विकली। सो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेटा आपका मेंटेन फॉर्म में रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज डेटा एनालिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू एनालाइज, आइडेंटिफाई, इंटरप्रिट द ट्रेंड्स और पैटर्न्स इन कॉम्प्लेक्स डेटा सेट। सो डेटा माइनिंग करके आपको ये ट्रेंड्स पैटर्न्स वगैरह ढूंढना पड़ता है। डेटा एनालिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रायोरिटाइज बिजनेस नीड्स एंड वर्क क्लोजली विद द मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन नीड्स। सो डेटा एनालिस्ट इज की रोल, एनालिस्ट की रोल इज आपको वो डेटा चेक करके आपके बिजनेस नीड्स क्या है वो प्रायोरिटाइज करने हैं और वो मैनेजमेंट को बताना है। डेटा माइनिंग, डेटा एनालिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू माइन द डेटा विथ यूजिंग मल्टीपल कॉम्प्लेक्स सिक्वल क्वेरीज। आपको अलग अलग से क्वेरीज यूज करके आपको डेटा माइनिंग आना चाहिए। डेटा माइनिंग क्या है ये मैंने इस वीडियो में बताया है, सो हम डिस्कस करेंगे अगले क्वेश्चन में, अपकमिंग क्वेश्चन में। ब्रिज बिटवीन डीबीए एंड कस्टमर। डेटा एनालिस्ट इज ब्रिज बिटवीन डीबीए, दैट इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड द कस्टमर। इफ कस्टमर फेसेस द इश्यूज रिलेटेड टू डेटा, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विल बी द डेटा एनालिस्ट। सो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग स्ट्रक्चर रहता है, बट डेटा एनालिस्ट को कस्टमर और डीबीए के बीच का ब्रिज का काम करना पड़ता है। डेटा क्लींजिंग टास्क। डेटा एनालिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी ऑफ द डेटा सो दैट ही और शी नीड्स टू क्लीन द डेटा। सो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ द डेटा। डेटा कंसोलिडेशन। डेटा एनालिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू कंसोलिडेट द डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। आप जब डेटा एनालिस्ट के रोल प्ले करोगे तो आपको समझो कस्टमर ने रिपोर्ट मांगा और आप डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर रहे हो, जैसे कि PostgreSQL और SQL, एक में PostgreSQL यूज कर रहे हो, एक में Oracle यूज कर रहे हो, और
एक टेबल का एक कॉलम चाहिए जो PostgreSQL डेटाबेस से है और दूसरा कॉलम चाहिए आपको ओरेकल से है, तो वो आपको डेटा कंसोलिडेशन आना चाहिए कि कैसे करते हैं। सो ये आपके डेली टास्क हो गए एज अ डेटाबेस, एज अ डेटा एनालिस्ट। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट डिफरेंट फेजेस ऑफ डेटा एनालिटिक्स। कौन कौन से फेजेस है डेटा एनालिटिक्स के? पहला फेज है प्रॉब्लम डेफिनेशन, द एग्जैक्ट प्रॉब्लम वी नीड टू टेक केयर ऑफ, व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू अचीव थ्रू दिस प्रोजेक्ट। सो पहला स्टेज है कि आपको प्रॉब्लम डेफिनेशन पता रहना चाहिए कि प्रोजेक्ट क्या अचीव करना चाहता है, प्रोजेक्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वेदर पैटर्न मैचिंग इज इम्पोर्टेंट, वेदर रिपोर्टिंग इज इम्पोर्टेंट, या आपको क्लियरली आइडेंटिफाई करना है। आप आपके मैनेजर को पूछ सकते हो कि क्या प्रॉब्लम डिफिनेशन है इस प्रोजेक्ट का और डेटा एनालिसिस का रोल क्यों है इसमें। देन डेटा एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरिंग द डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस इज द सेकंड स्टेज ऑफ डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट। सो डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट में आपको ऐसा नहीं है कि आप भाई प्रॉपर ओरेकल सीक्वल डेवलपर हो या प्रॉपर पोस्टग्रेस सीक्वल डेवलपर हो, आपको मल्टीपल डेटा पे काम करना पड़ता है, मल्टीपल सोर्स ऑफ डेटा, जैसे कि पोस्टग्रेस सीक्वल रहेगा, सीक्वल रहेगा, एमएस सीक्वल रहेगा, उस पे आपको काम करना पड़ेगा। तो वो आपको एक्सप्लोर करना है सेकंड स्टेज में, आपको वो पेपर पेज लेके राइट करना है कि कौन कौन से सोर्स डेटाबेसेस है। थर्ड इज डेटा प्रिपरेशन। आपको समटाइम्स कस्टमर पूछेगा कि भाई मेरे को ये फ्लो रन करना है, वर्क फ्लो रन करना है एप्लीकेशन के ऊपर, बट डेटा नहीं मिल रहा हमें मुझे, तो आपको वो डेटा टेस्ट डेटा प्रिपेयर करना आना चाहिए। डेटा मॉडलिंग, दिस इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ डेटा एनालिटिक्स, दैट इज हार्ट ऑफ डेटा एनालिटिक्स आई कैन से। द डेटा मॉडलिंग इज नथिंग बट द डिजाइन ऑफ द डेटाबेस वेयर यूजर नीड्स टू कन्वर्ट स्नोफ्लेक स्कीमा टू स्टार स्कीमा। तो आपको यहाँ पे ये क्या है फेज? सो डेटा मॉडलिंग ये मेन ही है, मतलब जब आपको एप्लीकेशन डिजाइन करना है उससे पहले आपको डेटा मॉडल डिजाइन करना है और उस डेटा मॉडल के ऊपर आपको एप्लीकेशन डिजाइन करना है, और आपका जो डेटा मॉडल है वो नॉर्मलाइज फॉर्म में रहना चाहिए, नॉर्मलाइज फॉर्म। वैलिडेशन ऑफ अ डेटा, डेटा वैलिडेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट। यूजर शुड हैव टू डू द डेटा वैलिडेशन आफ्टर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। आपका प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो गया तो डेटा एनालिस्ट का क्या काम है? तो वो वैलिडेट करना कि भाई सब हो रहा है अच्छे से। इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रैकिंग, आफ्टर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन डेटा एनालिस्ट नीड्स टू ट्रैक द इम्प्लीमेंटेड प्रोजेक्ट इज वर्किंग प्रॉपरली थ्रू आउट। सो आपको ये सब ट्रैक करना है कि भाई ये इम्प्लीमेंटेशन हो गया, सब हो गया, बट आपका सब अच्छे से चल रहा है, उसका ट्रैकिंग रहना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड रहना चाहिए, वो भी काम डेटा एनालिस्ट का है। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय डेटा क्लींजिंग? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेटा क्लींजिंग इज रिलेटेड टू डेटा क्वालिटी, डेटा क्वालिटी से रिलेट करता है डेटा क्लींजिंग। डेटा एनालिस्ट नीड टू मेक श्योर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द डेटा। ओके, डेटा एनालिस्ट का एक जॉब है कि भाई उसका क्वालिटी अच्छा रहना चाहिए डेटा का। डेटा क्लीनिंग इज ऑल्सो रेफर्ड एज डेटा क्लींजिंग, डील्स विद आइडेंटिफाइंग रिमूविंग द एरर्स एंड इनकन्सिस्टेंसीज ऑफ अ डेटा इन ऑर्डर टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ द डेटा। डेटा क्लींजिंग में क्या होता है, आपको जो एरर्स है, डुप्लीकेट डेटा है, कुछ एरर्स है, कुछ इनकन्सिस्टेंसीज है, वो सब आइडेंटिफाई करनी है, वो सब डिलीट करनी है। ये काम भी डेटा एनालिस्ट का होता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम। व्हाट इज मीन बाय डेटा माइनिंग? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल हर एक इंटरव्यू में ये पूछा जाता है डेटाबेस डेटा एनालिस्ट के। सो डेटा माइनिंग क्या है? डेटा माइनिंग इज द प्रोसेस यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ हिडन प्रिडिक्टिव डेटा फ्रॉम ह्यूज डेटाबेसेस। इट इज अ प्रोसेस used for extraction of hidden predictive data from huge databases. बड़ा सा एक डेटाबेस है, उसमें से आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करके लेना है डेटा, जो इंपॉर्टेंट डेटा है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओके, सेकेंड डेफिनेशन है, डेटा माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग द पैटर्न इन वेरी वेरी लार्ज डेटा सेट्स इन्वॉल्विंग इन डिफरेंट मेथड्स लाइक मशीन लर्निंग, स्टेटिस्टिक्स, डिफरेंट डेटाबेस सिस्टम। सो आपको ये मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स, ये आपको बेसिक नॉलेज रहना चाहिए उसका, ताकि आप क्या कर सकते हो, डेटा माइन कर सकते हो, उसमें आप पैटर्न सर्च करोगे। ये पैटर्न्स क्यों इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली डेटा माइनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? तो
तो आप बिजनेस डिसीजंस ले सकते हो उससे, पैटर्न मैचिंग करके आप ऑटोमेशन भी कर सकते हो। उसके लिए डेटा माइनिंग इंपॉर्टेंट है। आजकल मशीन लर्निंग, या आपने देखा होगा ये अमेजोन का ये टूल आता है अलेक्सा करके, उसमें भी पैटर्न मैचिंग ही यूज होता है। डेटा माइनिंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द यूजेबल डेटा फ्रॉम लार्जर सेट ऑफ रॉ डेटा, विच इंप्लाइज एनालाइजिंग डेटा पैटर्न्स इन बैचेस ऑफ डेटा फॉर वन और मोर सॉफ्टवेयर। सो ये सब डेटा माइनिंग मतलब सेम ही है, सब एक्सट्रैक्ट करना है आपको डेटा विद सम स्पेसिफाइड पैटर्न्स। ऑटोमेटेड एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई हिडन डेटा फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड एज डेटा माइनिंग। दीज आर फोर डेफिनेशंस ऑफ डेटा माइनिंग। मैंने आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार डेफिनेशन दिए हैं डेटा माइनिंग। से डिफरेंट स्टेप्स ऑफ डेटा क्लींजिंग एक्टिविटीज। कौन कौन से डेटा क्लींजिंग एक्टिविटीज है? फर्स्ट इज सॉर्टिंग। फर्स्ट स्टेप ऑफ डेटा क्लींजिंग इज यू रिक्वायर टू सॉर्ट द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट। सॉर्ट द डेटा, लार्ज डेटा सेट्स। फॉर लार्ज डेटा सेट्स डेटा क्लींजिंग नीड्स टू बी डन स्टेप वाइज। वी नीड टू फ्रेगमेंट द डेटा इंटू स्मॉलर डेटा सेट्स एंड देन यू रिक्वायर टू डू द क्लींजिंग एंड देन डीफ्रेगमेंट द डेटा। मेक श्योर दैट make use of functional scripts. So for data cleansing activities, you require to use the functional scripts for fast data processing. It might include remapping, value based on CSV files or SQL databases, regex, search and replace, blanking out all the values and don't match at regex. These kind of things you can use. Analyze the statistics. Analyze the summary statistics for each column, that is standard deviation, mean and number of values. ये आपको पता रहना चाहिए। Tracking the information, user needs to keep a track of data cleansing activities. आपको ये इसका track रखना है data cleansing activities का। Schedule activities, if there are repeated activities in data cleansing, user needs to schedule the activities accordingly. इसका मैं एक real life example देना चाहता हूँ। मेरे project में ऐसा ही था कि मेरे प्रोजेक्ट में डेटाबेस की कैश क्लियर करनी पड़ती थी क्योंकि ह्यूज डेटा यूज करते थे हम। सो उसका डेटा क्लींजिंग कैशिंग का हमें क्या करना पड़ता था, मैन्युअली हमें करना पड़ता था हर एक सैटरडे को, और सैटरडे का दिन चला जाता था, एक रिसोर्स यूज होता था और वो चला जाता था पूरा दिन। तो वो रिपीटेड एक्टिविटी थी, हमने क्या किया, वो उसका ऑटोमेशन किया। हमने एक स्क्रिप्ट लिखी, उसमें डेटा क्लींजिंग एक्टिविटी का ये करके उसको ऑटोमेट कर डाला। जॉब हम रन करते हैं हर एक सैटरडे को, तो वो ऑटोमेशन की वजह से वो शेड्यूल करके हमारा फास्ट काम होता है। तो ये भी एनालिसिस करना है डेटा एनालिस्ट को, और वो अपॉर्चुनिटीज बतानी है। एक्सप्लेन डिफरेंट टूल्स यूज फॉर डेटा एनालिसिस। बहुत सारे टूल्स है आजकल मार्केट में, बट मैंने कुछ फेच करके रखे हैं आपके लिए। फर्स्ट इज टैबल्यू, सेकेंड इज ओबीआई, सेकेंड थर्ड इज रैपिड माइनर, ओपन रिफाइन, क्लाइम, गूगल सर्च ऑपरेटर, सॉल्वर, नोड एक्सेल, आईओ, वोल्फाम अल्फा, गूगल फ्यूजन टेबल्स। दीज आर मल्टीपल टूल्स यूज फॉर डेटा एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पर्जिंग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा आपको कि पर्जिंग क्या है। पर्जिंग मतलब क्या है कि द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग जंक डेटा इन टर्म ऑफ इज टर्म्ड एज डेटा पर्जिंग। जंक डेटा एक रहता है आपका जो बहुत सारी मेमोरी खा के रखता है डेटाबेस में से, और जो जब मेमोरी खाता है वो, तो क्या होता है, डेटाबेस आपका स्लो रहता है। तो जब आपका डेटाबेस स्लो रहता है तो पहले देखना है, फर्स्ट स्टेप आपको करना है कि भाई परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, क्वेरी ट्यूनिंग में नहीं जाना है, आपको डेटाबेस का मेमोरी चेक करना है और जो जंक डेटा है वो डिलीट करना है। तो उसकी वही प्रोसेस को बोलते हैं डेटा पर्जिंग। Purging data would mean getting rid of unnecessary null values of columns. This usually happens when size of databases gets too large. Data purging is most important activity for database management system. The junk data will grab the database memory and it slows down the performance. मैंने जो बताया वही लिखा है यहाँ पे, वो performance आपका slow down कर देगा. So frequent purging gives the fast performance of a data. Frequent purging gives the fast performance of a data. फ्रीक्वेंट पर्जिंग आपको करना ही है, दो तीन महीने में पर्जिंग एक्टिविटी करनी ही है, वो आपके डेटाबेस के साइज के ऊपर है। ओके,
व्हाट विल बी द कॉमन इश्यूज फेस्ड बाय डेटा एनालिस्ट, कौन कौन से कॉमन इश्यूज डेटा एनालिस्ट फेस करते हैं। फर्स्ट इज कॉमन मिसस्पेलिंग, मिसस्पेलिंग होता है डेटा में तो डेटा मिल नहीं पाता डेटा यूजर को। डुप्लीकेट एंट्रीज, समटाइम्स डुप्लीकेट एंट्रीज आर देयर, मिसिंग वैल्यूज रहते हैं, इलीगल वैल्यूज रहते हैं, वेरिंग वैल्यूड रिप्रेजेंटेशन रहते हैं। सो ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स है। आइडेंटिफाइंग ओवरलैपिंग डेटा, समटाइम्स डेटा ओवरलैप होता है तो डेटा मिस होता है कुछ, तो ये सब कॉमन इश्यूज फेस बाय डेटा एनालिस्ट है। ठीक है, देखिए व्हाट आर डिफरेंट डेटा वैलिडेशन मेथड्स यूज्ड बाय डेटा एनालिस्ट, कौन कौन से मेथड यूज होते हैं डेटा वैलिडेशन के। दो ही मेथड है, फर्स्ट इज डेटा स्क्रीनिंग। डेटा स्क्रीनिंग मतलब आपको डेटा चेक करना है सब प्रॉपर है कि नहीं, डेटा वेरिफिकेशन आपको डेटा वेरीफाई करना है एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस डेटा डेटाबेस में जा रहा है कि नहीं वो वेरीफाई करना है इन नॉर्मलाइज्ड फॉर्म, डेटा स्क्रीनिंग एंड डेटा वेरिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंट यूजेस ऑफ डेटा माइनिंग, डेटा माइनिंग के कौन कौन से यूजेस है। हमने डेटा माइनिंग देखा कि भाई पैटर्न, बड़े से डेटाबेस से हमने पैटर्न मैचिंग डेटा निकाल के रखा है तो उसका यूज क्या है। फास्ट बिजनेस डिसीजंस, आप अगर बड़े से डेटाबेस में से आप अगर छोटा सा पैटर्न वाला डेटा खींच के आप मैनेजमेंट को दे दोगे तो मैनेजमेंट बहुत खुश होगा भाई। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि बड़ा सा डेटा है, जैसे कि आप सोचो कि पूरा महाराष्ट्र का डेटा हमारे पास है और उसमें से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को चाहिए कि 20 to 30 years of all people who are engineers, okay? ताकि कुछ चाहिए होगा उनको इंजीनियर्स का रिकॉर्ड, उनके लिए कुछ स्कीम ये कर रहे होंगे वो, तो वो डेटा आप पैटर्न मैच करके दे दोगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को तो वो फास्ट डिसीजन ले सकते हैं उसके ऊपर कि भाई इतने इंजीनियर्स है, 1% ऑफ पॉपुलेशन इज इंजीनियर्स एंड इसमें से ये इतने बेरोजगार इंजीनियर्स है तो उनके लिए हम कुछ स्कीम कर सकते हैं, ओके, तो जस्ट लाइक दैट। सेकंड इज फाइंड पैटर्न्स, ये तो हमने डिस्कस किया। प्रोसेस ऑफ ऑटोमेशन, डेटा माइनिंग अगर आप प्रिडिक्टिव पैटर्न्स, प्रिडिक्टिव इंफॉर्मेशन लेते हो लार्ज डेटाबेस से तो ऑटोमेट आप फास्ट कर सकते हो। अमेजॉन एलेक्सा ये क्या है, ये वही है, आपके पैटर्न्स चेक करेगा वो आपको। अगर समझो सुबह हर एक सुबह गाना सुनने की आदत है, मॉर्निंग सॉन्ग्स, और एक ही गाना सुनने की आदत है तो वो 2-3 दिन पैटर्न चेक करेगा अमेजॉन एलेक्सा और अगले दिन आपको खुद पूछेगा उस टाइम पे कि भाई ये ऐसा ऐसा पैटर्न है आप आज गाना नहीं सुनना चाहते हो क्या। जस्ट लाइक दैट ऑटोमेशन के लिए ये यूज होता है। हिडन पैटर्न फाइंडिंग हेल्प्स टू आइडेंटिफाई प्रीवियसली हिडन पैटर्न्स, कुछ पैटर्न्स हिडन होते हैं वो फाइंड आउट करने के लिए भी यूज होता है। टेल डिफरेंट इंडस्ट्रीज वेयर डेटा एनालिसिस इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड, ओके, सो ये तो बहुत मतलब बचकाना सा क्वेश्चन है क्योंकि हर एक इंडस्ट्री में आजकल डेटा एनालिसिस यूज होता है, हर एक इंडस्ट्री, यू कैन नेम द इंडस्ट्री, एवरी इंडस्ट्री में डेटा एनालिसिस यूज होता है। आपको अगर ये इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछे तो आप बोलिएगा कि हर एक इंडस्ट्री में डेटा एनालिसिस यूज होता है, बट सम एग्जांपल्स आर मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, सर्विसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गवर्नमेंट इंटेलिजेंस। एक्सप्लेन डिफरेंट स्किल वेयर डेटा एनालिसिस नीड्स टू बी यूज्ड, सो डेटा एनालिस्ट शुड हैव टू नो फॉलोइंग थिंग्स, डेटाबेस नॉलेज दैट इज डेटा मैनेजमेंट, डेटा ब्लेंडिंग, डेटा क्वेरिंग, डेटा मैनिपुलेशन, ओके। प्रिडिक्टिव एनालिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक बेसिक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, एडवांस्ड एनालिटिक्स, ओके। बिग डेटा नॉलेज, बिग डेटा एनालिटिक्स, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग। सो नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन स्किल्स, डेटा विजुअलाइजेशन, इनसाइट एंड इनसाइट प्रेजेंटेशन एंड रिपोर्ट डिजाइन। सो ये कुछ क्वेश्चन है जो डेटा एनालिस्ट के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इफ यू लाइक दिस क्वेश्चन काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, आपको ये क्वेश्चन अगर चाहिए तो आप चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, प्लस कमेंट सेक्शन में आपका ईमेल आईडी दे दो, नहीं तो complexsql@gmail.com पे मेरा आप
मुझे मेल करो, मैं आपको सब क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्मेट में या पीपीटी फॉर्मेट में दे दूंगा फ्री में। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो टिल द एंड। चीयर्स।